I'm so sorry. Good morning. Very, very good morning. तो हमें छोड़कर, I mean, मेरा मतलब है, हम सबको छोड़कर US जाने का मन नहीं हुआ तुम्हारा? मामी जी, सुदीप आया है. Bye. आचल, अरे आचल. चली गई. नमस्ते आंटी. नमस्ते बेटा. कुछ खाकर भी नहीं गई. काफी जल्दी में थी. अब काहे की जल्दी? जो करना था वो तो उसने करने से ही मना कर दिया. उसका सपना था US जाने का. पता नहीं क्यों उसने जाने से खुद ही मुंह फेर लिया. सपनों से मुंह फेरा है आंटी जी, अपनों के साथ रहने के लिए. हाँ बेटा. अरे मैं तो तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गई. आओ आओ अंदर आओ. हाय, वेलकम बैक. अच्छा हुआ आप इस घर में दोबारा वापस आ गए. आप कॉलेज जा रहे हैं? जी हाँ, एक दिन आपको भी लेकर चलूंगा. मुझे क्यों? भाई हमारे प्रोफेसर्स को एक आध लेक्चर दे दीजिएगा कि बोरिंग स्टडीज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाई जाए. आपके आने की इस घर में सबको खुशी है. अरे अरे अरे, आप भी ना कमाल करते हैं. पहले दिन ही आप आंचल जी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या झूठ बोला है मैंने? यही कि इनके आने से घर में सबको खुशी है. आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा. वो क्या है, पढ़ाई लिखाई से या फिर पढ़ाई लिखाई करने वालों से इसे हमेशा चिढ़ मची रहती है. अब देखिए ना, मेरे एमबीए को लेकर ही ताने कसती रहती है कि पता नहीं मैंने ये क्या फिजूल का सरदर्द पाल लिया है. देखिए, इस वक्त आपकी या मेरी बात नहीं हो रही है, बच्चों की बात हो रही है. और जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये आए हैं वो तो इनसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं. हाँ मैं सही कह रही हूँ. मेरे ख्याल से अब इन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए. चंचल, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ? अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप लोग खुद जाकर देख लीजिए ना. उन बेचारे बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है. आयुष, जूही बेटा, बेटा सचिन दरवाजा खोलो. बेटा सचिन दरवाजा खोलो. बेटा हमें बताओ क्या बात है? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो अपने कमरे से आ जाएंगे ना बाहर. कमरे में है कोई, जंगल में थोड़ी है. आप चलिए निकली, लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए. चंचल, कॉलेज मेरे लिए बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं है. आयुष, सचिन बेटा दरवाजा खोलो. मैं देखती हूं. सचिन, सचिन बेटा दरवाजा खोलो. देखो हमें पढ़ाई करनी है ना. रुको, दरवाजा नहीं खोलेगा. Thank you.
आयुष बेटा दरवाजा खोलो, आयुष दरवाजा खोलो बेटा। सचिन बेटा, बेटा दरवाजा खोलो, हम सब बाहर आइसक्रीम खाने जाएंगे। एक बार कह दिया ना, दरवाजा नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। तो ठीक है, नहीं खोलते तो ना खोले दरवाजा। हम सिद्धार्थ जी को बता देंगे कि उनके बच्चे किसी का कहना नहीं मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिद्धार्थ जी को दुख होगा ये सोचकर कि उनके बच्चे किसी का कहना नहीं मानते, और तो और अपने पापा को परेशान करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, फिर क्या हो जाएगा। हाँ सिद्धार्थ जी को बहुत दुख होगा ना, तो क्या हुआ, किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। धीरज जी चलिए, आप मुझे सिद्धार्थ जी का फोन नंबर दीजिए। भैया का नंबर? हाँ। ये लीजिए, ये। हाँ, 9 8 9 8 2 0 5 2 0 5 3 8 3 8